आपका ट्रिग्नोमेटिकल आइडेंटिटी में इस पर क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय तादात्म्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि तादात्म्य कहते किसको हैं। तादात्म्य को सर्वसमिका भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है आइडेंटिटी। तादात्म्य शब्द जब हम लोग संस्कृत पढ़ते होंगे तत्सम होता है, तत् उसी के समान, तद आत्मय कुछ उसी, इसमें भी जो है उसके जैसा है। यानी सबसे पहले तो हमें देखना है जितने तादात्म्य होते, जितने सर्वसमिका होती है, सब के सब समीकरण होते हैं। नाम ये सर्वसमिका, तो पहले तो यह समीका, सब के लिए समीका, तो उसको कहेंगे सर्वसमिका। अब एक इक्वेशन लिखते हैं हम, त्रिकोणमितीय इक्वेशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन, और एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो इसमें हमसे अगर पूछा जाए कौन समीकरण है, कौन सर्वसमिका है, पहली बात समीकरण दोनों समीकरण यह भी है, समीकरण यह भी है। जब तक समीकरण नहीं है तब तक सर्वसमिका होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये देखना है कि कौन समीकरण होने के साथ सर्वसमिका और कौन केवल, कौन ऐसा है जो केवल समीकरण है। तो जो थीटा के सभी वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है और वैल्यूज के लिए। अब इसमें सपोज कीजिए पहला में हम देखते हैं थीटा बराबर अगर जीरो डिग्री बैठाते हैं तो इसका देखिए एलएचएस साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो एक होता है, एक बराबर आ रहे थे आता है। 90 बैठा दीजिए थीटा इक्वल्स टू 90 बैठाइए, एलएचएस साइन 90 प्लस कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 जीरो वन, ये भी आता है यानी आरएचएस है। तो जीरो के लिए तो है सही, 90 के लिए है सही। अब हम थोड़ा 45 बैठा देते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब एलएचएस देखिए तो साइन 45, हम ये पहला के लिए देख रहे हैं सर, साइन 45 प्लस कॉस 45 वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू टू बाय रूट टू इक्वल्स टू रूट टू नॉट इक्वल्स टू वन, रूट टू वन पॉइंट समथिंग होगा, एक के बराबर नहीं है। अर्थात हम देखते हैं जीरो डिग्री के लिए तो वह संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है जीरो डिग्री में, यानी जीरो डिग्री इस इक्वेशन का एक हल होगा। 90 डिग्री के लिए भी वह इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, लेकिन 45 डिग्री में जब हम आ जाते हैं तो वह सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसका अभिप्राय हुआ कि पहले समीकरण को हम सर्वसमिका नहीं कहेंगे। अगर यह सर्वसमिका होता तो सर्व शब्द का अर्थ होता है सबके लिए, जो सबके लिए एलएचएस आरएचएस बराबर वैल्यू कर देता वह कहलाता सर्वसमिका। तो पहले तो हम इसे डिफाइन कर लें, वैसा त्रिकोणमितीय समीकरण, वैसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो सर्वसमिका कहलाता है। जो थीटा के सभी मानों को सेटिस्फाइड करता हो या थीटा के सभी मानों से संतुष्ट हो सर्वसमिका कहलाता है। इसी में हम जो दूसरा लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसमें हम देखते हैं कि उसके साथ क्या होगा। अब हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये था थीटा के बदले जीरो डिग्री बिठाइए, एलएचएस साइन स्क्वायर जीरो यानी कि जीरो, कॉस स्क्वायर जीरो यानी कि एक, जीरो प्लस एक बराबर एक, 30 डिग्री बैठाइए थीटा बराबर 30 डिग्री बैठाइए, तो साइन 30 वन बाई टू स्क्वायर कॉस 30 रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, फोर एलसीएम वन प्लस थ्री फोर बाई फोर इक्वल्स टू वन, यानी कहीं भी आप दे रहे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन अगर है तो आप लिख, चूंकि यह आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी माना गया, सॉरी आइडेंटिटी माना नहीं गया बल्कि है,
आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है त्रिकोणमितीय। क्यों हम कहेंगे आइडेंटिटी? क्योंकि यह थीटा के सभी मानों के लिए संतुष्ट है। अभी साथ आर से अगर हमसे कोई पूछे साइन स्क्वायर एक डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर एक डिग्री बराबर एक, साइन स्क्वायर टू डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर टू डिग्री बराबर एक, कुछ भी है साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर तीस डिग्री बराबर वन, साइन स्क्वायर अठारह डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अठारह डिग्री बराबर वन। तो इसलिए हम कहेंगे यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक को आइडेंटिटी नहीं कहे थे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी कहते हैं, सर्वसमिका कहते हैं, तादात्म्य बोलते हैं। अब अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग सर्वसमिका को सुविधा के लिए हमने जिक्र किया है, ऐसा नहीं कि सर्वसमिका को क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा हेतु हम इसे तीन वर्ग में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपल बेसिक, बेसिक्स और सिंपल आइडेंटिटी जो हैं वह आगे चलकर यानी जब हम कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो सूत्र की तरह व्यवहार होते हैं। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक, लोग स्टूडेंट जनरली डिफिनेशन की तरफ फॉर्मूला के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन यह आइडेंटिटी है। तो यह ध्यान में हमने रखना है कि जितने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हैं वो कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को सॉल्व करने में सूत्र की तरह व्यवहार किए जाते हैं। तो हम तीन पार्ट्स में बांटे हैं इसको, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंडीशनल, सिंपल सरल, कॉम्प्लेक्स जटिल और कंडीशनल शर्ती, टीआई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। आज हमारा क्लास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से ही होगा, इसके बाद हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी का टाइप वन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा यानी या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू वन, थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू वन, ये फॉर्म यानी तीनों एक के रूप में है। हम जानते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, कीजिएगा, अगर हम इसकी इसकी बात करें पहला थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन, इसलिए इसको हम एलएचएस देखें, एलएचएस बराबर होगा साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी, कैंसल ए, इस तरह से सबका हम कर सकते हैं। तो सिंपल आइडेंटिटी का पहला टाइप हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, सेक थीटा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। इससे कुछ और फॉर्मूला जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि पहला है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक, तो इससे निकलेगा साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा। इसी प्रकार से दूसरे से निकाल सकते हैं सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा। सिमिलरली टैन थीटा इक्वल्स टू वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। ये था मेरा टाइप फर्स्ट, cos थीटा बराबर वन बाई sec थीटा। तो ये था हमारा टाइप वन जिसमें हमने देखा जो परस्पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको गुणा करने पर गुणनफल एक होता है। ऐसे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अभिप्राय ही होता है, तात्पर्य ही होता है, दो संख्या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती है जब उसका गुणनफल एक होता है।
इसका भाग से हमारा टाइप फर्स्ट था। अब हम देखते हैं टाइप टू। टाइप टू हमारा कहता है इस का है दूसरा टाइप टू सिंपल आइडेंटिटी की हमने चर्चा किया और उससे पहले भी अनुरोध भी किया है कि सारे सिंपल आइडेंटिटी को आप फॉर्मूला की तरह याद कर उसे याद ही रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये भी वन वन के इक्वल्स हैं। अब हम इससे भी चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब एक सवाल उठता है, थोड़ा सा हम अभी आपको बता दें, इससे हम साइन थीटा बराबर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यह गलत हो जाएगा, स्क्वायर आता तो उधर प्लस माइनस लिख देंगे, यहां प्लस माइनस होना चाहिए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कब प्लस कब माइनस, तो ये डिपेंड करेगा जो हम लोग पीछे देख चुके हैं थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा अर्थात एंगल क्या है, एंगल की स्थिति क्या है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस चिन्ह नहीं होगा, थीटा यदि लेस देन जीरो, थीटा यदि ऐसा हो जीरो थीटा 90 तब फिर ये चिन्ह का अर्थ नहीं, माइनस चिन्ह का अर्थ ही नहीं होता है, तब साइन थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर इसका, इसलिए हम इससे जुड़े स्क्वायर हटा करके जो फॉर्मूला है उसको हम नहीं लिख रहे, क्योंकि वह डिसाइड करेगा थीटा किस क्वाड्रेंट में है, उससे हमें ये दोनों को ध्यान में रखना है, इसको और इसको। एक इस पर भी हम इसको भी हम थोड़ा सा प्रूफ कर ले, बहुत सिंपल प्रूफ है एलएचएस, देखिए इसका एलएचएस क्या है, पहला का एलएचएस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ विशेष समीकरण नहीं, इसका पी वाई एच और उसका डी वाई एच इसी त्रिभुज में, अगर हम ऐसा करते त्रिभुज ले लेते थीटा ले लेते ये पी डी एच, तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक, इस तरीके से हमारा आ जाता और इसका वैल्यू आ जाता एक। इसी तरीके से अगर हम इसको करते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी का स्क्वायर और टेन थीटा पी बाई बी का स्क्वायर, इसके लिए तो फिर आप बी स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन। तो हम इसको प्रैक्टिस करके देख लेंगे और याद भी रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद भी रखना है। एक काम जो हमको इसके साथ कर लेना है इस दोनों बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, इसको इस रूप में भी ध्यान रखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन। इसलिए अगर हमसे पूछा जाता सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
तो इससे एक चीज देखिए, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर यदि हम k लेंगे, सपोज कीजिए कि इसको हम k मान लें, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई के। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर k, देन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई के। अब कभी ऐसे इक्वेशन दे देंगे और तब दे दिया जाएगा, और उसके बाद यदि हल करना होगा तो ये फॉर्मूला में काफी मददगार हमें मदद पहुंचाएगा। कैसे ये मदद पहुंचा सकता है, tan थीटा काट देंगे तो 2 sec थीटा निकल गया, 2 sec थीटा बराबर हो गया k प्लस 1 बाई के, k स्क्वायर प्लस 1 बाई के, इसलिए sec थीटा का वैल्यू निकल गया हमसे k स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 के। अब sec निकल गया तो cos भी निकाल सकते हैं, अगर घटा देते तो sec कैंसिल हो जाता और tan निकल जाता, तो 2 tan थीटा। इस तरह से अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम k स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 के। तो ये काम इसमें भी ध्यान में रखना हमको, इसमें क्या हो जाता है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1। तो ये जो टाइप है इसमें हमें इस दोनों को ध्यान में रखना है, और अब हम आगे इसको देखते हैं सिंपल आइडेंटिटी में टाइप थर्ड और लास्ट टाइप है जिसको हमको सूत्र की तरह ध्यान में रखना है, और वो है tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। टाइप थर्ड tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले पहला का प्रूफ देखते हैं, tan थीटा LHS, tan थीटा बराबर p बाई b। फिर इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं थीटा b p एच पी बाई बी है, एच से दोनों में अंश और हर दोनों में डिवाइड कर दीजिए, पी बाई एच और बी बाई एच हो गया, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा। तो टेन इसका बहुत व्यापक उपयोग है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का। इसके आगे हम लोग यानी इस जितना भी हमने पढ़ा है इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में ध्यान में रखेंगे, और इसको आगे यानी हम जब कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो फॉर्मूला की तरह व्यवहार करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक वाला टेन इंटू कॉट वाला, कॉस इंटू सेक वाला एक होता है, और इसका जो कन्वर्जन था उसको टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा ध्यान हमें और रखना पड़ेगा, वो है अनुपात समानुपात का। बहुत बहुत धन्यवाद। कम्प्लेक्स आइडेंटिटी अगले दिन।